देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र से इलाहाबाद बनारस बिहार जाने को निकले सैकड़ों की तादाद में लोग ट्रकों में भरकर जिला जालौन होते हुए जनपद कानपुर देहात की सीमा बॉर्डर में पहुंचे, जहां पर जिला जालौन और जिला कानपुर देहात बैरियर पर पहले से मौजूद सतर्क पुलिस के जवानों ने ट्रकों को रोककर जांच पड़ताल की। देश के अलग अलग स्टेटों शहरों से आए सैकड़ों की तादाद में लोगों को देखकर पुलिस के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे कानपुर देहात से एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ भोगनीपुर, वही दूसरी ओर जिला जालौन एसपी, डीएम तथा भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच और पड़ताल की तथा अलाउंस के माध्यम से लोगों को शांति सौहार्द बनाए रखने तथा कोरोना महामारी के विषय में लोगों को जागरूक किया। एसपी जालौन द्वारा लोगों से अपील करते हुए मेडिकल जाँच होने तक क्वारंटाइन में रहने की अपील की गयी तथा महाराष्ट्र से सैकड़ों की तादाद में आए लोगों को ट्रकों द्वारा जनपद देहात से वापस जिला जालौन क्वारंटाइन ले जाया गया। भोगनीपुर कानपुर देहात से सर्वेश यादव की रिपोर्ट। हम लोग पूरा प्रयास है, पूरी तरह से। अब यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। भाई हमने तो अपने जनपद में आपको लाए, अपने यहाँ हम रखेंगे भी, हम खिलाएंगे भी आपको, खाना भी खिलाएंगे आपको, पानी भी पिलाएंगे, आपके रहने की सुविधा भी करेंगे, आपके लिए जितना पूरा प्रयास है पूरा करेंगे। उसके लिए सरकार का नियम है, आपको ही पता है, फॉर्म भरना पड़ता है अपने, एक एक का एक आई कार्ड लेते हैं, एक एक का नाम लिखते हैं, वो किधर से किधर जा रहा है वो लिखा जाता है ना, उसका फोटो ले लेते हैं हम लोग, वो अपने रजिस्टर बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, आप लोग सब जानते हैं, सब लोग आजकल व्हाट्सएप पे सब पढ़ते रहते हैं, पूरी दुनिया को सब पता है। तो हम लोग भी वही करेंगे, यहाँ पे आप लोग का नाम वगैरह लिखेंगे, आप लोग का पूरा वो जो करते हैं, सुनो मेरी बात सुन लो, कहाँ टेस्ट हुआ तुम्हारा, कौन बोल रहा है यहाँ से कौन, अरे रुक जाओ उधर से बोलो ना, पहले बताओ यहाँ से कौन बोला जो पहला, बोलो एमपी बॉर्डर पे हुआ, जालौन बॉर्डर पे नहीं हुआ ना, यहाँ भी होगा तुम्हारे, बैठो बैठ जाओ। कब हुआ था तुम्हारा टेस्ट, कल हुआ ना, कल से आज में किसी को बुखार आया हो, किसी को सर्दी खांसी है, हमारी मेडिकल टीम पूरा आप लोगों का चेकअप करेगी, हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, तो मैं बड़ा हूँ परिवार का, मुझे जवाब देना पड़ेगा ना, आपके जनपद में आपके डीएम साहब से, आपके पुलिस अधीक्षक साहब से, कप्तान साहब से मुझे बात करनी पड़ेगी ना, कि आपके लोग आ रहे हैं, हम आपको भेज रहे हैं गाड़ी से, उनको हम खाना वाना खिला के भेज रहे हैं, उनका मेडिकल भी चेकअप हो गया, ये कागज देख लीजिए, ये स्वस्थ आदमी है इसको देख लीजिए। भाई एमपी वालों की बात यूपी वाले कैसे मानेंगे, भाई मैं दूंगा तो मानेंगे ना मेरी बात, पानी चेंज किया, तुम लोग इतना काम करते हो, दूर दूर रहते हो, कहाँ से हो सब, कहाँ से आ रहे हो।